हेलो एवरीबॉडी, आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोग के सम्मुख और एक पोर्ट्रेट लेके आया हूँ डिजिटल। इसमें अभी तो मैं ये पेपर में वर्क इनका स्केच कर रहा हूँ। ये रोजी मत्तई है, हमारे लखनऊ के एजी चर्च के पास्टर है मत्तई। उनकी वाइफ है, पिछले साल उन्होंने उनकी प्रभु के पास चली गई। वो तो मुझे मेरे बहुत करीब पास्टर ने उनका बनाने के लिए मुझे बोला गया था, तो मैं बना रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत दिनों के बाद घर पे इस तरह का वर्क करना शुरू किया मैंने, तो मैं क्यों ना आप लोगों को के लिए भी कुछ बनाऊं। बहुत दिन से नहीं बना था कुछ। मेरे फ्रेंड थे जो मुझे फॉलो करते थे, उनका फ़ोन आ रहा था, बहुत सारे मिल के भी बोल रहे थे मुझे कि भैया आपका वीडियो बनाओ। और ये एक कोई भी पोर्ट्रेट बनाने का एक तरीका होता है कि आपको कोई भी फोटो को उसको देखे और उसको रेड पेंसिल से रफ स्केच करो। रफ स्केच मतलब रफ तरीके से, एक आप थोड़े से दूर रह के अपने आप को हाथ से हल्का हल्का करके टच करके आपको उसको करोगे तो आपको मैश वो फील आना चाहिए, उनका फ़ोटो का आधा क्लियर आना चाहिए। फिर आप डिजिटली लेके जाओ और उसके बाद डिजिटली इसको बारीकी से बड़ी बड़ी करके इनके फ़ोटो को फिर देखो और उनके बाद जो जो डिटेल है इसको करने की कोशिश करो। तो मैं आज आपको डिजिटल पेंटिंग बताता हूँ कैसे करना है। ये प्रोफेशनल लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे फ़ोटो देख रहा है और हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी मैं इसको डिजिटली कन्वर्ट करूँगा, तो वो चीज़ दिखना चाहिए कि हाँ आपने पेंटिंग लगना चाहिए और अलग सा डिजिटल पेंटिंग लगना चाहिए। अलग तरह से मैं इसको स्पेशल लाइट भी दूंगा और इसको करते समय। तो अभी ये मैं खांचा बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इनका फेस लगभग जैसा है जिस हिसाब से एनाटॉमी के हिसाब से ये हल्का आना शुरू हो गया है और ये रफ ही करना है। अब इसमें क्या होता है कि हमें जब सिखाया जाता है कि आप जितना 10 लाइन खींचो या 5-6 लाइन खींचो उसमें एक फाइनल लाइन आपको दिख जाएगा, तो यही तरीका है कि आप कोई भी डिजिटल आप जब शुरू करते हैं। इसको मैंने फिर डिजिटली इसको फाइनल करके फिर कंप्यूटर में लेके आया। अब मैंने इसको स्केच मैंने लगभग फाइनल कर दिया था उनका, अब आप देख रहे हैं। अब इसको मैं अलग तरीके से इसको कलर करने की कोशिश करूँगा और कलर भी जो इनका स्किन कलर है वही मैं करूँ, तो वो फोटोग्राफ लगेगा। फोटोग्राफ तो या तो आजकल फोटो ही लगाना है, तो आपको वो जो भी आप डिजिटली कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो तो आपको अलग फील आना चाहिए, वो डिजिटली लगना चाहिए कि हाँ वो पेंटिंग हुआ है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर से ऑरेंज लाइट और ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसमें कैसे लाइट आने, तो एक बैकग्राउंड लाइट वाली बैकग्राउंड मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। एक्चुअली क्या होता है कि आर्टिस्ट वही है जो आप पहले से इमेजिनेशन कर लो कि इसमें कलर कैसा आ रहा है, कलर का बन के कैसा आएगा, आप कैसा फील कर रहे हो वो दे दो, उसके बाद एड ऑन तो होता रहता है, मगर जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मैंने काम शुरू कर दिया। अब देखते हैं फाइनल में क्या रिजल्ट आता है। आप मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, देखते रहिए। मैं पहले सबसे ऊपर बाल होते हैं हमारे स्किन में, तो सबसे पहले हमें एक प्रोसेस है कि बाल करेंगे फिर उसके बाद स्किन करेंगे, इस टाइप से चलता है। तो फिर मैं अभी शुरू कर दिया है। कपड़े भी आप कर सकते हो, आप कपड़े बाद में भी कर सकते हो। आपको फोकस करना है लाइट सोर्स किधर से आ रहा है, आपका लाइट कौन सा आ रहा है, आपका बैकग्राउंड में कौन सा लाइट है, उसका रिफ्लेक्शन लाइट आपके बालों में मैंने दिया है, कहीं कहीं स्किन में भी दूंगा, आप बने रहे। और डिजिटली आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है और आप अच्छे आर्टिस्ट इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप गेमिंग कंपनी में हुआ, पब्लिकेशन लाइन में भी हुआ, क्योंकि आस्ते आस्ते ग्रो हो रहा है। पहले उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, अब आर्टिस्ट ही चाहिए, उनको प्योर आर्टिस्ट चाहिए जिसका स्केच आता हो। खाली कलरिंग करके भी नहीं आएगा आपको,
जैसे गेम जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मरकर गेमिंग कंपनी है वो, उसमें कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर स्केच मायने रखता है और और कलरिंग भी मायने रखता है, और आप दोनों हैं तभी वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल काम है। इंटरनेशनल में आर्टिस्ट लोग वो ये नहीं खाली कलरिंग कर रहे हैं या तो आप पेंसिलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, आपको दोनों आना चाहिए। और कलरिंग तो बहुत ज़्यादा डिजिटल में बहुत ज़्यादा, मतलब ये सोच लो कि हाई लेवल का आना चाहिए। और अब ये है कुछ, ये स्पीड से कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, आप मेरे कमेंट में बता सकते हो कि क्या कमी हुई है। और डिजिटली अब ये प्रोफेशनल आपको इस लाइन में आना है तो ज़रूर डिजिटल में ट्राई करें, और क्योंकि हैंड पेंटिंग का अपना अलग मज़ा है, और वो पेंटिंग जो करते हैं उसका अलग ही दुनिया है, वो अलग है, मगर आप डिजिटली करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप कॉलेज से किए हुए बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, मेरे अलग वीडियो को थोड़ा प्रोत्साहन करें कि मैं वीडियो बना सकूं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ये मुझे लगेगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट बना रहे। मगर अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हुआ, 3-4 ही वीडियो हैं, तो इसलिए मैं भी जानता हूँ कि अभी मैं अपना स्किल भी नहीं दिखा पा रहा हूँ जो मेरा हॉबी है। तो ये मैंने पहले से एक अलग सा टोन ले लिया, मैंने आपने देखा कि मैंने फोटोग्राफ से कोई भी कलर पिक नहीं किया। अब मैं जैसा सोच रहा हूँ, एक मैंने इमेजिनेशन कर रखा कि इनको किस टाइप से लेके जाना है, मुझे एक येलो लाइट में लेके जाना, तो उस टाइप से ही स्किन येलो लाइट में कैसे चमकेगी, वो सब चीज़ें मैंने पहले से कर दिया था, इसलिए मैं ऑरेंज डाल रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क डाल रहा हूँ, ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया मैंने। इनके रिंकल्स वगैरह हैं, थोड़ा सा यंग भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा यंग बनाने की कोशिश करता हूँ, यंग तो नहीं मतलब थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा पेंटिंग भी लगे। तो मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट किया रफली, आप देख रहे हैं, इसके लिए उनको पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अलग से लाइट दिया, यही एक ड्रामा, थोड़ा सा हल्का ड्रामा पेंटिंग में ना, थोड़ा सा हल्का ड्रामा करेंगे, या ये चीज़ हम गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस टाइप का काम आप जब करते हो तो थोड़ा सा जो ड्रामा क्रिएट करना, थोड़ा सा अलग दिखे, तो उसका इम्पोर्टेंट अलग ही होता है। तो ये मैंने किया है, प्रोफेशनल लाइन में आना है आप लोगों को तो डिजिटल पेंटिंग, डिजिटली ड्राइंग, डिजिटली सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मगर एक प्रोसेस है पेंसिलिंग, जो हाथ से जो करते हैं वो भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप जब तक नहीं करोगे, जब तक उसमें आपका हाथ नहीं सेट होगा, वो डिजिटली आप कर ही नहीं पाओगे फिर उतना अच्छी तरीके से। तो आप उसको पहले पेपर में करो, फिर उसके बाद आप डिजिटली आप लेके आओ। आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में कैसे लेके आएंगे, ये मैं फोटोशॉप में कर रहा हूँ सारा, आप देख ही रहे। मैंने हल्का हल्का लाइट दे दिया चश्मा के, अलग से लेयर में ले जाके इनको चश्मा में जो जो लाइट था इनका सारा कुछ दिया, आप देख रहे हो। आस्ते आस्ते ये रेड लाइन भी मैं ख़त्म करूँगा लेयर बाई लेयर में, ठीक है, वो फील आना शुरू हो जाएगा कि हाँ इनकी पेंटिंग जैसे। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंडिया में, दुबई में, फॉरेन में चले जाओ तो बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो बोलता हूँ कि अपनी डिजिटल प्रोफेशनल तरीके से कैसे आपको इस लाइन में आना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कैसे कोर्स करना है, क्या करना है, कैसे करना है पेंटिंग के लिए, मुझे प्रोत्साहन करें। बहुत सारे मेरे जो जिनको मैंने सिखाया है अच्छी गेमिंग कंपनी वगैरह में भी कर रहे हैं, और कुछ अभी पोर्ट्रेट का भी क्लास के लिए बात चल रही है, पोर्ट्रेट वगैरह का, तो वो चीज़ देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो सब कुछ अभी शुरुआत ही है इस तरीके से प्रोफेशनल लोगों को, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इनको आप लोगों को बता सकता हूँ, तो कर रहा हूँ, बस आप लोगों का प्यार बना रहे और प्रोत्साहन आप ज़रूर दिखाएं, ये भी दिखाएं कि थोड़ा सा इसको शेयर करें पब्लिकली। पोर्ट्रेट वही है प्रोसेस जो हम लोग हाथ से करते थे, वही चीज़ अब इनमें क्या बोलते हैं डिजिटली करते हैं पेन टैबलेट के सहारे, तो वही चीज़ है अब इनके आंखों में
वो चीज़ आंखें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंखें जब तक मिलेगा नहीं वो उनका फेस जो है वो आना शुरू नहीं होगा। थोड़ा बहुत आ रहा है, आपको भी लग रहा होगा। बस बने रहिए और प्रोफेशनल बनना है, और अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, अच्छे आर्टिस्टों की कमी है इंडिया में। सारे बेंगलोर, हैदराबाद, सारे मेरे मलयालम दोस्त वगैरह थे बहुत करीब, ऑलमोस्ट यहाँ से जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है, दिल्ली में, नोएडा में बहुत सारी कंपनियाँ खुल चुकी हैं। और बस आप आर्टिस्ट हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे से संपर्क करें, मैसेज करें और कुछ अपने काम को भेजें। हम लोग बात करके आपको आगे बढ़ाने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे इंजीनियर आपको किसी दिन मिलवाऊंगा, बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो गेमिंग कंपनी से हैं, जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, मेरे स्टूडियो में भाई की तरह थे वो, बहुत ज़्यादा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के बहुत सारे आज कंपनी में हेड है कोई अच्छी कंपनी है। मैं तो बहुत बाद में इस लाइन में आया, क्योंकि मैं बुक इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। बहुत साल पहले मैं बुक्स में था, कॉमिक्स में था, मैंने बता चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। उसके बाद मैं अभी गेमिंग कंपनी में, और मैं अब गेमिंग कंपनी में जब देखता हूँ स्कोप देखता हूँ, और आगे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अच्छे आर्टिस्टों के पीछे पड़ी होती है। तो आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसा बनना है? एक तो होता है कि आर्ट सीखना, आप आर्ट करते हो, आप कॉलेज में जाके पेंटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब आपको आता है, चलो ठीक है, मगर प्रोफेशनल आपको डिजिटल आना बहुत ज़रूरी है। डिजिटली में कैसे आप उसी चीज़ को आप कर सकते हो, उसके में क्या 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 है, वो सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, ये फोटोशॉप है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है इसमें कर सकते हैं। और जब आपका काम होने लगेगा और आपको पता है कि मैं वो रिजल्ट लेके आऊँगा तो मज़ा आता है काम करने में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी 20 साल के करीब हो गया मैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते, एक अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। मुझे पता है कि कहीं से भी शुरुआत करूँगा मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे पता होता है। तो जब आप एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो काम करने का अलग ही दुनिया है। हाँ, ये है कि जब हम कहीं अटकते हैं या कुछ चीज़ें हमें नहीं आता तो वो चीज़ें फिर थोड़ा सा शुरू में मुझे भी बहुत सारा झेलना पड़ा था। पर हाँ, ये है कि जब आप कंप्लीट करने लगते हो, अच्छा सारे होने लगता है तो मज़ा आएगा। बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे ज्ञान की बातें भी हम कर सकते हैं। और बस ये टीथ वगैरह में, चिक्स में आप देख रहे होंगे कि उस कलर से और डिफरेंट कलर में लेने की कोशिश किया था, और ये थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश किया था। इनका नाम मरियम मत्तई है, परमेश्वर के पास चली गई पिछले साल। तो लड़की के पास है थॉमस करके, उन्होंने मुझे उनका पेंटिंग बनाने के लिए बोला गया, तो मैं बना रहा हूँ। तो उनका एक साल पूरा होने वाला है, तो उनका पेंटिंग के रूप में मुझे देना है। सब आप लोगों का प्यार बना रहे। बस प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बनता है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। कुछ मैं सोच रहा था कि जैसे हम डिजिटली हम कैसे इसको बुक्स कैसे क्रिएट करते हैं, पूरा बुक प्रोसेस क्या होता है, आप प्रोफेशनल लाइन में कैसे आ सकते हैं, अपना काम को कैसे कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है मगर आप उसको डिजिटली ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, और डिजिटली आप गेमिंग कंपनी में कैसे आ सकते हैं। बुक्स लाइन में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इंटरनेशनल में अब सारी बुक्स जाने लगे। अब इंटरनेशनल, अब अमेरिका में जो किताबें बनी हैं वो कल यहाँ पर भी आ जाती है, आपको पता है सारे ऑनलाइन में, अमेजोन वगैरह। तो आपको उन आर्टिस्टों के साथ कंपेयर किया जाता है, मतलब US के आर्टिस्टों के साथ या इटली के आर्टिस्टों के साथ कंपेयर किया, तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि हम सीखने को भी मिले और बहुत सारे मदद होता है। तो ये जब तक
चैलेंज रहता है ना लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने का, और भी कुछ सीखने, और भी कुछ सीखने, तो इससे ना और अच्छा आपका काम होता जाता है। जब कंपटीशन नहीं होता है तो आप लोग तो सोचते कि मैं एकदम राजा हूँ इस क्षेत्र का, तो वहाँ पर भी स्ट्रेक्ट हो जाते थे। इसलिए बने रहे और प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे बने उसके लिए सिर्फ राकेश ग्रुंग आपको हिंदी में आपको बताएगा, और आगे मेरी वीडियो में आप आर्टिस्ट हो तो प्लीज़ जोड़े और अपने जितने भी आर्ट दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करें, उनको बोलें कि भैया ने छोटी सी शुरुआत की है। और एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारे राजकुमार था, तब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी बहुत सारे प्रोफेशनल लाइन में हैं। घमंड की कहीं भी बातें मेरी हो रही होगी तो प्लीज़ सॉरी बोलता हूँ, कभी कभी ह्यूमन नेचर के कारण कभी निकल जाता है। तो बस ये मेरा लगभग मैं अब इसको फिनिश करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है अब देख रहे हो, बस इसका लाइट सोर्स वगैरह दे दिया मैंने, देखो रिफ्लेक्शन लाइट मैंने बैकग्राउंड में जो दिया था वो पहले ही सोच के मैंने इसमें मारना शुरू किया था, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड तैयार कर लिया था। ये तरीका है एक कि आप गाड़ी को बना रहा हूँ तो ऐसा वो रफ भी मारना होता है, क्योंकि वो फील भी आए कि हाँ ये वो क्या बोलते हैं पेंटिंग जैसा लगे, क्योंकि एक फोटोग्राफ जैसा ही लगेगा तो फिर आप डिजिटल में इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस थोड़ा सा डिटेल विटेल डाल रहे हैं इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ इनका डिजाइन है साड़ी में, एग्जैक्टली बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ ये इसको बनाने के अब गोल्ड जैसा लगे इसके लिए भी छोटी छोटी एक प्रोसेस है, डिजिटली बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अब यही पेंटिंग मैं अब क्या उसमें बनाऊँ क्या बोलते हैं ऑयल पेंटिंग में या कुछ बनाना शुरू करते हैं, कम से कम एक दो दिन एक हफ्ता भी लगा देते कुछ लोग, मगर हम डिजिटली इसको दो तीन घंटे में आराम से बना सकते हैं और अच्छा है करने में। इसमें रीस्टार्ट का बटन होता है, कंट्रोल जेड का बटन होता है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे गुरु।